मेरा नाम चिंटू कुमार साहू है। मैं नवा गांव का रहने वाला हूं। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। मैं आगे की पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहता था, पर मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे मजदूरी, खेतों का काम, ये सब करके मैं अपना और घर का खर्च चलाने में मदद करने लगा। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, जिससे मैं अपनी खुद की पहचान बना सकूं। पर क्या ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था।
एक दिन गांव में मुनियादी हुई। मुनियादी में कहा गया कौशल विकास के संबंध में ग्राम पंचायत में एक सभा रखी गई। ये बुनियादी सुनकर मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है मेरे लिए कुछ करने का। मैंने सुना तो था टीवी में कौशल विकास के बारे में, पर जानकारी नहीं थी। और कौशल विकास के बारे में कुछ और जानने के लिए मैं दूसरे दिन ग्राम पंचायत गया, जहां मेरी मुलाकात श्री तरुण ढारे जी और रोशन सर से हुई। उन्होंने मुझे DDUGKY के संबंध में जानकारी दी। कुछ दिन बाद मुझे MPTA एजुकेशन लिमिटेड से कॉल आया। मैं काउंसलिंग के लिए राजनांदगांव स्थित MPTA के सेंटर गया, जहां मेरा काउंसलिंग किया गया। वह काउंसलिंग के बाद मेरा टेस्ट लिया गया। मेरी रुचि और टेस्ट के नंबर के आधार पर मुझे फीटर ट्रेड में शामिल किया गया। यहां मैंने फीटर के बारीकियों के साथ साथ इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल, कंप्यूटर की भी जानकारी मुझे मिली और मैंने बहुत कुछ सीखा। MPTA में 6 महीने सफल ट्रेनिंग करने के बाद मेरा सिलेक्शन पियाजो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड पुणे बारामती में OJT के लिए हुआ, जहां 2 माह OJT के बाद मेरे अच्छे काम को देखते हुए उसी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट भी हो गया। मुझे लगभग 1 साल हो गया यहाँ पियाजो में काम करते हुए। मैं यहाँ पर इंजन असेंबली के पद पे काम कर रहा हूँ और मुझे एक नई पहचान मिल चुकी है थैंक्स टू MPTA एंड DDUGKY।